वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आंसर की के बारे में। तो बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का जैसा कि एग्ज़ाम हो गया, तो आज हम डिस्कस करेंगे सारे प्रश्न का आंसर की, ठीक है। अगर आपको आंसर की में किसी प्रकार का त्रुटि या गलती लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उसको हम सुधार करने की आवश्यकता है होगी तो हम करेंगे। और ये फाइनल की नहीं है, ये टेम्पररी बेसिस पे आपको, प्रायोरिटी बेसिस पे आपको आंसर की टेम्पररी आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसका दूसरा आंसर की हम फिर प्रोवाइड करेंगे कुछ दिनों में, कुछ समय में, ताकि जो ही आंसर्स हैं अप्रोप्रिएट रीवेरीफाई किया जाए, ठीक। आज डिस्कस करेंगे आंसर की को, जिसका अगर डी कोड है, डी सीरीज का है बुकलेट, आप डायरेक्टली क्वेश्चन देख सकते हैं, और जो अदर सीरीज वाले हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना मार्क कर सकते हैं। और जो भी अपना स्कोर आएगा प्लीज़ आप उसको हमारा एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, उसमें आप ज़रूर मेंशन करें। और कमेंट बॉक्स में हम आपको गूगल फॉर्म का गूगल लिंक हम प्रोवाइड करेंगे, आप मेंशन करें कि आपको कितना स्कोर आया है, उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोजेक्टेड स्कोर कट ऑफ होगा उसको भी हम डिसाइड करेंगे और उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर फिल कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन में है, भारत में 1897 में किस हिल स्टेशन से विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई थी, मसूरी। क्वेश्चन नंबर टू है, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य प्रारंभ हुई थी, यह था 2017 में। क्वेश्चन नंबर तीन है आपका, नीति आयोग के AIM के अंतर्गत ACIC को प्रारंभ किया गया था 31 जुलाई 2019 को। इसका आंसर रिव्यू में है, इसको फिर से चेक करने की आवश्यकता होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये सी ही होगा। क्वेश्चन नंबर पाँच की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर पाँच का आंसर हमको रीवेरीफाई करना होगा, चेक करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर छः की बात किया जाए, निम्न में से कौन सा मंत्रालय बुनियादी ढांचा क्षेत्र के प्रमुख 11 क्षेत्रों की निगरानी करता है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, मॉस्पी। सात नंबर है, राष्ट्रीय सौर मिशन किस प्रधानमंत्री के नाम से प्रारंभ की गई थी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर आठ है, वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त विधेयक संविधान के किन क्रमानुसार अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद के प्रस्तुत किया गया था, ये अनुच्छेद 110 और 112 के अंतर्गत होगा, सीक्वेंस या तो ए होगा या तो डी होगा, आई एम नॉट श्योर इसमें, तो ये आपको अनुच्छेद 112 110 के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, तो आई थिंक डी होगा आंसर, और इसको चेक कीजिएगा, ए भी प्रोबेबली हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नौ की बात किया जाए, ONGC को कब स्थापित किया था, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात किया जाए, भारतीय दिवालिया और संशोधन अक्षमता कोड प्रभाव हुआ 2019 में। क्वेश्चन नंबर 11 की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, किस बजट में GST को अप्रैल 2010 से लागू प्रस्तावित किया गया था, 2006-07। क्वेश्चन नंबर 12 की बात किया जाए, 1954 में निम्न में से किस देश में सर्वप्रथम GST को लागू किया गया था, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात किया जाए, श्रेयस फरवरी 2019 में प्रारंभ की गई थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम पारित किया गया था 2002 में। क्वेश्चन नंबर 15 की बात किया जाए, विश्व का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय बहुस्तरीय संचित परियोजना कालेश्वरम अवस्थित है तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम पारित किया गया था 1948 में। क्वेश्चन नंबर 19 की बात किया जाए, निम्न में से बिहार का कौन सा उद्योग क्षेत्र के औद्योगिक उत्पादन में 14% सकल घरेलू उत्पाद में 4% तथा निर्यात में 13% सहयोग करता है, वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 16 की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 16 में रेलवे बजट को आम बजट कब मिला दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको 17-18 में। क्वेश्चन नंबर 17 की बात किया जाए, निम्न में से कौन सा भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी थी, तो प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, और फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हमारे थे निर्मला सीतारमण, तो पहली महिला बजट पेश करने वाली थी हमारी इंदिरा गांधी, तो इसलिए सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में वस्त्र उद्योग होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए, बिहार उद्योग नीति 2016 में औद्योगिक विकास दर का लर्द निर्धारित किया गया था 15%। क्वेश्चन नंबर 21 की बात किया जाए, वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि में बिहार में अनाज उत्पादन का स्तर बढ़ा था वार्षिक दर से 5.65 की दर से। क्वेश्चन नंबर 22 की बात किया जाए, बिहार में उद्योग की स्थापना हेतु एक भूमि बैंक स्थापित की गई थी जिसका समग्र निधि वर्तमान में 1500 करोड़ था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात किया जाए, 2015 में बिहार में कुल स्थापित विद्युत ऊर्जा का क्षमता 3704.63 किलो की मेगावाट थी,
जिसमें अक्षय ऊर्जा थी 2.3%। क्वेश्चन नंबर 24 की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 24 को थोड़ा रिव्यू करना पड़ेगा, आंसर डाउटफुल है, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा, प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में पदेन तथा विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों को सम्मिलित करने के मंत्रिमंडल संकल्प पर अपनी स्वीकृति प्रदान की थी 7 जून 2016 को। क्वेश्चन नंबर 25 की बात किया, इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में दीर्घतम अवधि तक कार्य किया है, ये सी डी देशमुख थे, 6 ईयर्स 53 डेज। क्वेश्चन नंबर 26 की बात किया जाए, भारत सरकार के बजट 2020-21 में निर्धारित कृषि साख का कुल लक्ष्य था 15 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 27 की बात किया जाए, केंद्रीय बजट 2021 में सरकारी ई मार्केट प्लस के व्यापार का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था 3 लाख करोड़, ये भी डाउटफुल है, इसको रिव्यू करने की आंसर जब तक जरूरत है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे भी होगा आंसर। 28 की बात किया जाए, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन ₹103 लाख करोड़ के साथ प्रारंभ की गई थी 2019 में। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद किया, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार 2019-20 के सार्वजनिक व्यय तथा प्राप्तियों के पुनरीक्षण अनुमान निर्धारित किए गए थे 26.99 लाख करोड़ तथा 19.3 लाख करोड़, ये भी आंसर रिव्यू करने की जरूरत है, डाउटफुल है, बट फिर भी यहाँ पे बी मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात किया जाए, महानगोलिस भारी उद्योग विकास योजना का मजदूरी वस्तु विकास योजना द्वारा विधोर विरोध किया गया, जिसके प्रमुख प्रवर्तक थे प्रो ब्रह्मानंदन, ठीक है, प्रोफेसर ब्रह्मानंदन। 31 की बात की, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर अभी चेक करने की आवश्यकता है, अभी नहीं देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 33 में भी ये जीडीपी का जो है ये अनुपात, ये हमको चेक करने की आवश्यकता होगा, डेटा मैं कलेक्ट करके चेक करूँगा। 34 नंबर की बात किया जाए, तो भीड़ प्रभाव घटना घटित होती है जब बाजार अर्थव्यवस्था के किसी एक क्षेत्र में बढ़ते सरकारी प्रभाव के कारण शेष बाजार के प्रभावी होती है मांग पक्ष। क्वेश्चन नंबर 35 की बात किया, नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण मुद्रा का मूल्य 15,41,793 करोड़ था, वापस प्राप्त विमुद्री मुद्रा का मूल्य कितना था, ये मुझे एग्जैक्ट डेटा आरबीआई के साथ चेक करना पड़ेगा, आरबीआई के वेबसाइट पे, और मैं आपको जरूर इस पे आंसर प्रोवाइड करूँगा फाइनल की। क्वेश्चन नंबर 36 की बात किया जाए, यदि सकल घरेलू उत्पाद का अपस्फीति कारक निहित मूल्य हेतु 2015-16 को आधार वर्ष मान लिया जाए, तो निम्न में से किस वर्ष का अप्रस्फीति का कारक मूल्य 100 होगा, यह 2016-17 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है, तो एक साल के बाद हो जाएगा, तो ये भी चेक करने की आवश्यकता। 37 की बात किया जाए, ये भी 37 का आंसर हम अब चेक करेंगे, 38 को भी हमको चेक करने, 38 का आंसर हो जाएगा मूल्य वर्धित कर, कुछ देशों में जीएसटी को किस नाम से जाना जाता है, मूल्य वर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स। 39 की बात किया जाए, 39 है आपका, निम्न में से भारत में लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा है। 40 की बात किया जाए, 40 में है, जबकि विश्व की वास्तविक जीडीपी स्तर 2020 में गिरकर -3.3 हो गई थी, या भारत में गिरकर क्या थी, तो -8.7% थी, बट ये भी मुझे डाउटफुल लग रहा है, इसका एग्जैक्ट डेटा मुझे वेबसाइट पे चेक करके बताना होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ई लग रहा है। 41 की बात किया जाए, 41 में गांधीवादी योजना का प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा, एसएन अग्रवाल के द्वारा। 42 की बात किया जाए, भारत का प्रथम कौशल विकास केंद्र 2014 में किस राज्य में उद्घाटित किया गया था, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 43 की बात किया जाए, भारत में कौन सी तेल रिफाइनरी रोमानिया की सहायता से स्थापित की गई थी, गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 44 की बात किया जाए, निम्न में से कौन सा शहर असम का तेल शहर नाम से जाना जाता, डिगबोई। क्वेश्चन नंबर 45 की बात किया जाए, भारत की कुल तेल रिफाइनरी में किस राज्य में कोई तेल किस में अवस्थित नहीं है तेल रिफाइनरी, तो हरियाणा में पानीपत रिफाइनरी है, तमिलनाडु में नागपट्टनम है, आंध्र प्रदेश में वाइजक रिफाइनरी है, पश्चिम बंगाल में हल्दिया रिफाइनरी, तो मोस्ट प्रोबेबली ई लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात की, मुद्रा क्या है, मनी क्या है, धन, वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 47 की बात किया जाए, बजट 2020-21 में वित्तीय वर्ष 23 के लिए जीडीपी विकास दर अनुमानित की गई, इसका आंसर मुझे देखने की आवश्यकता है, जल्द प्रोवाइड किया जाएगा फाइनल की। क्वेश्चन नंबर 48 की बात किया जाए, केंद्रीय बजट 2021 के विनिवेश का कुल लक्ष्य था 2.10 करोड़। 49 की बात किया जाए, घरेलू उत्पादों पर करों को सर्वप्रथम किस समिति ने मूल्य वर्धित करों के रूप में परिवर्तित करने का सुझाव दिया गया था, इसका है राजस्व चलैया समिति। 50 की बात किया जाए, 50 का आंसर आपको होगा बी, खेलकर समिति। भारत में राज्य संसाधनों की वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के पूंजीकरणों को लगाए जाने की संस्तुति किसने की थी, तो ये केलकर समिति। 51 की बात किया जाए, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है परंतु अपस्थिति अनुचित, यह कथन किसके द्वारा, किन्स के द्वारा। 52 के बाद किया जाए, निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि नहीं है,
यह खुला बाजार संचालन। 53 की बात किया जाए, जुलाई 2019 से जून 2020 के मध्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कितनी बार नीतिगत दर में परिवर्तन किया था, तो ये आपको 3 बार, ठीक है, ये इसका आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर बात किया जाए, 54 की बात किया जाए, आयकर समिति 1961 के किस प्रावधान के अंतर्गत किस सीमा तक कृषि आय आयकर मुक्त है, ये आपको आयकर ये आर्टिकल 10A के अंतर्गत है, ठीक है, अनलिमिटेड। 54 के बाद 55 की बात किया जाए, 55 का आंसर मैं चेक करूँगा। 56 की बात किया जाए, 56 में है, यदि सकल वित्तीय घाटे में से ब्याज भुगतान कम कर दिया जाए तो शेष रहेगा, शेष ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट होता है, बट इसका आंसर ई होगा, मोस्ट प्रोबेबली ही होना चाहिए। 57 की बात किया जाए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है, जी सतीश रेड्डी। 58 की बात किया, भारत सरकार के कार्यक्रम तथा पहल के कार्यान्वयन की प्रगति को देखते हुए नीति आयोग से संबंध स्वास्थ्य साइसी संगठन में जाना जाता है, DMEO। 59 की बात किया, नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, जिसे बंद कर दिया गया था 2015। इसका आंसर चेक करना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली 2015 मुझे आंसर लग रहा है। 60 की बात किया जाए, निम्न में से कौन सी पृथक वार्षिक योजनाएं मानी गई है, 1990-91 सी होगा आंसर, और 91-92। 61 की बात किया जाए, इसका आंसर होगा ए, ग्रामीण विकास। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को प्रारंभ सरकार ने किस मंत्रालय के अधीन किया गया था, ग्रामीण विकास के। 62 की बात किया जाए, भारत में पंचायती राज के विचार को किसने प्रारंभ किया गया था, बलवंत राय मेहता ने। 63 की बात की जाए, भारतमाला परियोजना के गलियारे की लक्षित लंबाई क्या है, तो लक्षित लंबाई इकोनॉमिक कॉरिडोर का 9000 किलोमीटर था, बट इसको फिर भी चेक करने की आवश्यकता है, बट ई इज़ द मोर अप्रोप्रिएट मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपको कोई और भी आवश्यकता आपको लग रहा है कोई और होगा, तो प्लीज़ आप समय कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए विद द लिंक, जहां से हम वेरीफाई कर सकते हैं। 64 की बात किया जाए, देश में पोत कारखानों की कुल संख्या निजी के पास कितने, तो ये भी डाउटफुल, बट मुझे 18 लग रहा था, 18 ही होगा। 6 देश के पोत कारखानों की जो प्राइवेट है वो टोटल 18। 65 की बात किया जाए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय DPIIT की स्थापना 1995 में हुई थी, कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष हाल ही में बदलकर कर दिया गया 11-12। 1NSDC द्वारा निधित विशेष औद्योगिक पहल उड़ान विशेष रूप से किसके लिए प्रारंभ की गई थी, जम्मू और कश्मीर के लिए। 68 की बात किया जाए, बुनकर मुद्रा योजना में रियायती दरों पर मार्जिन मनी ऋण राशि की अधिकतम सीमा 25,000। क्वेश्चन नंबर 69 की बात किया, कौशल विकास एवं उद्यमिता के नए मंत्रालय का गठन कब हुआ था, 2014 में। IIP में 8 कोर उद्योगों का सम्मिलित भारांक क्या है, 40.27 सी इज द करेक्ट आंसर। 61 की बात की, जो वार्डन हु इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज नोन एज द ट्रेडिशनलिस्ट। 72 की बात किया जाए, हु रिसीव 3M यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2020 फॉर द पोटेंशियल थेरेपी फॉर COVID-19। हु इज ऑरिजिन इंडियन ऑरिजिन गर्ल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अनिका चेब्रुलू। 73 की बात किया जाए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TRP, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। 74 की बात किया जाए, 74 में आपका ब्लू मून्स का होता है, फुल मून को कहते हैं। 75 की बात किया जाए, वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग ब्रांच में वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग में चैंपियनशिप में ब्रांज मेडल किनको मिला है, सिमरनजीत कौर को। 76 की बात किया जाए, बाइडेन रैन ट्वाइस अनसक्सेसफुल फॉर US प्रेसिडेंट इन 1988 एंड 2007। 77 की बात किया जाए, विच डिक्शनरी एडेड लॉकडाउन एज वर्ड ऑफ ईयर, तो आपको कॉलिंस डिक्शनरी ने, तो कॉलिंस इंग्लिश का आंसर होगा। 78 की बात किया जाए, बेंजामिन नेतन्याहू इज द प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। 79 की बात किया जाए, फुल फॉर्म ऑफ कोविड ऑफ वायरस डिजीज 19 बी इज द करेक्ट आंसर। 80 की बात किया जाए, प्रिपेयरिंग फॉर डेथ इज द लेटेस्ट डीप थ्रू अ बुक ऑफ अरुण सूरी। 81 की बात किया जाए, ज्ञानपीठ अवार्ड इज एसोसिएटेड विद द लिटरेचर। आपको 82 की बात किया जाए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
प्रोवाइड्स मुद्रा लोन फॉर विच एक्टिविटी, आपको एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी दोनों के लिए दिया जाता है, तो सी इज़ द मोर अप्रोप्रिएट मुझे ऐसा लग रहा है। आपको 83 की बात कीजिए, अर्नब गोस्वामी इज़ अ टीवी जर्नलिस्ट रिपब्लिक टीवी। 84 की बात किया जाए, हु ऑथर द बुक द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, एस जयशंकर। 85 की बात की, आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी। 86 की बात की जाए, 86 का आंसर होगा, इसरो हैज़ लॉन्च द लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट नेट PSLV C49 इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन इन विच फील्ड एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट। 86 का एक करेक्ट होगा। 87 की बात किया जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, अटल पेंशन योजना। 88 की बात किया जाए, ऑन विच प्रिंसिपल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द वंदे मातरम स्कीम इन फरवरी 2004, ये आंसर हमको चेक करना पड़ेगा। 89 की बात किया जाए, द बुक वॉकिंग विद द कैमरेडेस इज रिटन बाय अरुंधति रॉय। 90 की बात किया जाए, हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन एन के सिंह। 91 की बात किया जाए, द इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट इन्फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, तो जनरली आपको मनी लॉन्ड्रिंग से ही होता है, बट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से एसोसिएटेड है, मुझे कंफर्म नहीं है, बट इसका श्योर नहीं, बट मनी लॉन्ड्रिंग तो श्योर होगा, ठीक है, तो ये इज द अप्रोप्रिएट लग रहा है। 92 की बात किया जाए, हु इज अपॉइंटेड एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया आफ्टर बिमल जुल्का, तो यह है यशवर्धन कुमार सिन्हा। 93 की बात किया जाए, हाउ मेनी रामेश्वर साइट आर देयर इन इंडिया, तो ये आपको 42 है, जनरल 42 या 41 के आसपास, 42 या 41 ही होगा दोनों में से एक, बट अगर 42 होगा तो इसका आंसर ई होगा, बट मुझे आंसर अप्रोप्रिएट ई लग रहा है, क्योंकि 42 ही रिसेंटली डेटा की बात किया जाए, बट कुछ बुक्स में ओल्ड डेटा है तो ये थोड़ा डाउटफुल है, रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है ई होना चाहिए, बट सी अगर BPSC आंसर देता है इसमें कोई तो रहा नहीं, सी भी दे सकता। 94 की बात किया जाए, सौम्य चटर्जी बंगाली एक्टर वाज मल्टी स्पेक्ट्रम आर्टिस्ट सच एज, ये किसमें थे, तो सौम्य चटर्जी एक्टर डायरेक्टर प्ले राइटर सिंगर एंड पोएट भी थे, तो ए इज़ द अप्रोप्रिएट आंसर। 95 की जाए, अकॉर्डिंग टू द फिगर रिलीज बाय द इलेक्शन कमीशन हाउ मेनी वोट्स ऑप्टेड नोटा इन द बिहार इन रिसेंट बिहार इलेक्शंस, तो 7,06,000 है आपको 6,252 इज द करेक्ट आंसर। 96 की बात किया जाए, व्हेन द आर्मिस्टिक्स वाज साइंड बिटवीन द अलाइड फोर्सेस एंड जर्मनी इन पटना, 11 नवंबर 1918। 97 की बात किया जाए, हु अर्न अ निकनेम एज चाणक्य ऑफ बिहार, नीतीश कुमार। 98 की बात किया, जीतनराम मांझी वन द इलेक्शन 2020 फ्रॉम इमामगंज गया बिहार फ्रॉम विच पोलिटिकल पार्टी, हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। 99 की बात किया, हु वॉज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार स्टेट बिफोर द इलेक्शन हेल्ड इन 2020, सुशील कुमार मोदी। 100 की बात किया जाए, विच वेटलैंड इन बिहार हैज बीन डिजिग्नेटेड एज रामसर साइट इन अक्टूबर 2020, कबरटल इज द करेक्ट आंसर। 101 की बात किया जाए, भोला पासवान शास्त्री द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वॉज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। 102 की बात किया जाए, इन बिहार RJD कैंडिडेट शक्ति सिंह यादव लॉस्ट इलेक्शन 2022 JDU कैंडिडेट कृष्णा मुरारी शरण विद जस्ट 12 वोट। 103 की बात किया जाए, 103 में है, हाउ मेनी मैक्सिमम मिनिस्टर्स अकॉर्ड टू द लॉ कैन बी अपॉइंटेड टू दी 243 मेंबर्स बिहार असेंबली, 36। 104 की बात किया जाए, अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डेटा बिहार अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अक्टूबर 2020 वाज, तो ये 12% के आसपास था, 12% डेटा, बट ये डेटा मुझे वेरीफाई करना होगा, इज मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है, 12% था, बट डेटा मुझे चेक करना पड़ेगा, 100% चेक करने के लिए मुझे फिर से दोबारा की बताएंगे इसमें। 105 की बात किया जाए, विच कंट्री रिसेंटली साइन द बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट BECA, इंडिया एंड US। 106 की बात किया जाए, पुट्स ईयरली कमला हैरिस जर्नी, तो कमला हैरिस लीगल प्रोफेशनल देन गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर US सीनेटर देन वाइस प्रेसिडेंट, भी अप्रोप्रिएट लग रहा है। 107 की बात किया जाए, हु डेवलप द हार्मोनाइज सिस्टम अ 6-डिजिट आइडेंटिफिकेशन कोड टू वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। 108 की बात किया जाए, आपको मदरसा मीन्स अ प्लेस वेयर लर्निंग एंड स्टडिंग टेक्स प्लेस, 108 का भी मुझे अप्रोप्रिएट लग रहा है। और 109 की बात किया जाए, हैज ज्वाइन द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म केरले एज सीनियर एडवाइजर आफ्टर रिटायरिंग MD ऑफ SDFC बैंक, आदित्य पुरी।
110 की बात किया, विच इज़ नॉट द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फोसिल फॉल, 108 तक हम आंसर देख लिया। मैथमेटिक्स का आंसर आपको शायद पता ही होगा, बट फिर भी अगर हम उसको प्रोवाइड कर देंगे तो फाइनल की के साथ 101 से लेकर 150 तक आंसर हम शॉर्टली प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको आंसर लग रहा है इसमें सुधार करने की आवश्यकता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपको कितना मार्क्स आ रहा है उसको भी आप ज़रूर फिल करें। हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे जल्द ही इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग हम लोग कट ऑफ भी डिसाइड करेंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। और आपका कैसा एग्ज़ाम गया प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैंसन करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। और इसका PDF चाहिए तो PDF भी हम आपको जल्द ही शॉर्टली इसको प्रोवाइड कर देंगे गूगल ड्राइव में, और उसका भी लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।